फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए फाइंड स्क्वायर रूट वर्गमूल मतलब किसी भी नंबर का वर्गमूल मात्र 5 सेकंड में निकालना बताएंगे। इससे पहले मैंने स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना ट्रिक से बताया था। आज हम स्क्वायर रूट इसके बाद नेक्स्ट हम जो क्यूब रूट निकालना जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, वर्गमूल होता क्या है। यहाँ तो हम आपको ट्रिक से बता देंगे, लेकिन इससे पहले आपने बहुत पिछली जितनी भी क्लासेस में पढ़े होंगे सब में आपने पढ़ा होगा, 6th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th सब में पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, कितने तरीके होते हैं। यदि वो आपको नहीं मालूम है तो ये पढ़ना बेकार है, उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है वो केवल उनकी बेसिक नॉलेज ना होने के कारण वो उनका मन नहीं लग रहा है। और कोई भी यदि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला पता है, ये पूरा टोटल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ही फंसा देता है। कैलकुलेशन में सब कुछ आता है, कैसे हम जो है मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे हम एलसीएम लेंगे, कैसे हम यदि इक्वेशन है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, उसमें कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, वर्गमूल यदि आ गया तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल आ गया तो घनमूल कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कोई भी जानकारी नहीं है। आज के बच्चों में इतनी ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम हो गई है मैथमेटिक्स को लेकर कि उनका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, और इसको कोई ठीक ही नहीं कर रहा, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। सभी लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं क्लास में नहीं आते हैं पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं बस इसका अपना जो है कोई भी टॉपिक उठा लिया उसमें बनाना शुरू कर दिए। अब कितने बच्चों को आ रहे हैं कितने बच्चों को नहीं आ रहे हैं उनसे इनको उनसे मतलब नहीं, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करके चले जा रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और कैसे हम उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। जब आप सही करेंगे तभी बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट जगेगा कि वो मैथमेटिक्स पढ़ें, और यदि अपनी समस्या को बताएं कि सर अभी इस कारण नहीं आ रहा है। ये तो आप है ना, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट करता है कि हमारा ये पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम है। जब टेस्ट कर लेता है उस हिसाब से मेडिसिन चलाता है, वो जो है फिट हो जाता है एकदम। उसी प्रकार स्टूडेंट्स भी क्या है, स्टूडेंट्स भी एक पेशेंट है, एक रोगी है, और उसके जो डॉक्टर है वो टीचर है। जब टीचर को नहीं मालूम अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि वो हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और जब तक उसको ठीक नहीं कर पाएंगे या आगे की चीज़ नहीं समझ पाएगा तब तक उस बच्चों को नहीं आएगा। आप लाख बेहतर पढ़ा दीजिए, लाख उसे बहुत अच्छे से 10 बार समझा दीजिए, 20 बार समझा दीजिए, और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, कोई बेसिक बेसिक नॉलेज कोई भी ध्यान नहीं देता, बस उसको सवाल सॉल्व करने आ गया तो सॉल्व करना सिखा देता है, ऐसे सॉल्व होगा जो बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग वो कर लेते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं बकलोल की तरह ऐसे मुंह देखते रहते हैं, फिर कहते हैं सर हमको आ ही नहीं रहा, हमको आ ही नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि बच्चे लगातार 3 साल 4 साल से यदि उनको टीचर उसको पढ़ा रहा है फिर भी उसमें अंदर कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे वो 2 साल पहले था वैसे ही अब है। तो फिर क्या मतलब है फिर ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने का, जब बच्चे के अंदर कोई भी विकास नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और मान लीजिए कि हमें उससे फायदा नहीं हो रहा डॉक्टर से, तो हम क्या करते हैं तो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, चलो भाई किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, अनुभवी के पास जाएंगे तो हो सकता है बेटर हो। इसी प्रकार टीचर है, यदि किसी टीचर से आपके बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उसको नहीं 1-2 साल के अंदर नहीं इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो हटाइए, फिर क्या मतलब ऐसा पैसा बर्बाद करने का, हटाइए टीचर चेंज करिए, क्योंकि मेन जरूरी है बेसिक। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, हम उसको एग्जाम में इंग्लिश बोले तो क्या समझेगा, ये कहें बेटा ये क्वेश्चन से याद कर लो, क्या याद करेगा जब उसको पढ़ने नहीं आता। तो पहली हमारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले उसको तो किताब पढ़ना सिखाए ना, जब किताब पढ़ाना सिखाएंगे तब उसको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। कोई कौन ध्यान देगा, कोई ध्यान ही नहीं देगा, बस सब कह देता है बच्चे कमज़ोर है, बच्चे कमज़ोर है, ठीक है हम क्या करें हम क्या करें। अरे आप क्या करने आए हो, यदि आप एक अच्छे टीचर हो, एक बढ़िया अपने आप को लगता है कि बहुत ही हम अच्छे टीचर, तो ऐसे बच्चों को आगे दिखाइए ना भाई, ऐसे बच्चों को सुधारता नहीं है, सीधे एक्सक्यूज हो जाता है बच्चे ही कमज़ोर है। अरे बच्चे तो सारे कमज़ोर होते हैं, कौन सी क्या आता है, कुछ जो होते हैं पढ़ाई के सीरियस होते हैं वो पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं सीरियस होते हैं तो उनको भी तो हमको पढ़ाना है। अब हम उनको पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब फिर हमारे शिक्षक रहने का। अब सारे लोग यही करते हैं, भाषण देना बहुत बड़ी बड़ी भाषण देना बहुत ही आसान होता है, सभी लोग आपके भाषण को सुन लेंगे कि हम बहुत बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, हम बहुत मेरा अच्छा परफॉर्म है। परफॉर्म हम तब मानते हैं अच्छा जब आप ऐसे बच्चों पर ध्यान देंगे, ऐसे बच्चे भी जब पढ़ना शुरू कर देंगे तब हमें लगेगा नहीं आपके अंदर वो कैलेबर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप किसी तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे उसको मैथमेटिक्स आए चाहे ना आए, चाहे उसको वो लड्डू हो चाहे वो लड्डू के आगे हो, मतलब जानकारी उसको हो। तो ये सब चीज़ें होती है, ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि सारे जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है अपने बेसिक को अच्छा कर लें ताकि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगे और वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और उनका जो है मन भी उसमें लगता रहे, तभी वो पढ़ेंगे, अदरवाइज वो लाख आप उनको बढ़िया बता दीजिए वो पढ़ने वाले नहीं है।
तो हम देखते हैं टॉपिक पे आते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट। तो हम अब पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक से तो हम 5 सेकंड में आपको बता देंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कौन कौन से मेथड थे जिनसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। प्रीवियस क्लासेस में जब आप लोग पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, तो जो तरीका था वो सबको मालूम है, जितने भी टीचर हैं सबको उसी दो तरीके के बारे में, तीन तरीके के बारे में मालूम होगा। अब तो ट्रिक आया है उसको कम टाइम में सॉल्व करने का, समय बचाने का, लेकिन वो भी आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 25 का निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम इस करनी के अंदर लिख देते हैं। इस करनी का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, इसको ही स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और इसमें आप 2 भी लिख सकते हैं और चाहे 2 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप देखिए, यदि हम इस करनी के अंदर, ये भी करनी है, यदि इसके अंदर 3 लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट हो गया, ये हो गया घनमूल, तब ये पूरी इसकी वैल्यू होगी 1/3। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या 2 लिख दें, और यही एक सिंबल है लेकिन इसके अंदर जो है ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, और इसकी वैल्यू लिखा जाए 1/3, इसकी वैल्यू लिखा जाए तो 1/2। अब इसको सॉल्व करना है हमको अलजेब्रा के, यदि ट्रीट कर लेंगे अलजेब्रा को सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी करनी के 1/2 होगी, अब इससे इसे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सीधे मिल गया 5, ये आपका 5 आ गया। ये हम यदि ऐसे सॉल्व करना चाहें, लेकिन अब ये इसका स्क्वायर रूट निकालना हमको 25 का, तो इसके 2 मेथड है। क्या मेथड है? पहला मेथड है प्राइम फैक्टोरियाइजेशन मेथड, और सेकंड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब दोनों मेथड के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इस मेथड से केवल हम उन जो है नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है, उनका हम निकाल सकते हैं इस मेथड से जो है, जैसे 25 है, ये 5 का स्क्वायर करते हैं 25 हो जाएगा, तो इसका हम निकाल सकते हैं। इससे क्या है, दोनों का निकाल सकते हैं, यदि परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ये जाकि ज़्यादा अच्छा ये होता है, कम टाइम में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा इसका लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकन है। तो हम दोनों को अभी देखते हैं, बेसिक देखते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। अब 25 को हम इस मेथड से करने जा रहे हैं, 25 को, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25 को ऐसे हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 से, लेकिन 2, 3 से ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम अब 5 से इसको, 5 के टेबल में आता है तो 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 5 है 25, फिर उसके बाद ये अब ये 5 से ही जाएगा, वो ना जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है, 25 को। अब हमको चूंकि इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका वर्गमूल, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसी के अंदर हम 25 को जो ब्रेक किए थे बस लिख दें, और चूंकि स्क्वायर वर्गमूल में हम पेयर बना के निकालते हैं, पेयर होता है, तो इसको पेयर के रूप में बाहर निकाल लेंगे, तो 1 आएगा, फिर 1 ही 5 आएगा, तो ये 5 हो गया आपका। तो इस तरीके से हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, और हम इस मेथड से निकालने की थोड़ी एक बड़ी संख्या लेते हैं डिविजन मेथड से, हम 144 लेते हैं। अब 144 है ये, इसको हम निकालते हैं इस मेथड से, तो डिविजन मेथड से निकालेंगे, तो इसको ऐसे, सबसे पहले ऐसे एक लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 144 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे से ऐसे पेयर बना लेंगे, तो आपका पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल, हम यहाँ पे ऐसा टेबल लेंगे कि वो मतलब या तो इससे कम हो, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, कम हो या इसके बराबर हो, लेकिन जो मल्टीप्लाई होगा वो सेम नंबर का सेम में होगा, मतलब स्क्वायर ग्रुप में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, 5 का 5, ये नहीं कि 2 का 3 में करते हैं या 3 का 4 में करते हैं, ये नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लॉज है कि आपका 2 का 2 नहीं करना है, 3 का 3 नहीं करना, 4 का 4 नहीं करना है। अब देखिए 1 है यहाँ पे, अब हम ऐसा जो है कैसा, मतलब कैसा नंबर हम लें कि 1 से छोटा आ जाए, तो हमारे पास तो 2 है, लेकिन 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा है, तो हम 1 का 1 में ही टेबल पढ़ लेते हैं, तो 1 का 1 में पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा ये 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को यहाँ रिपीट कर देंगे, इधर प्लस करते हैं और इधर माइनस करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, खत्म हो गया, इधर हो गया 2। अब इस पेयर ग्रुप में दोनों को, चूंकि पेयर ग्रुप में, तो दोनों एक साथ, ही उतर जाएंगे, 44 हो गया। अब हम फिर से वही काम करेंगे,
टेबल पढ़ेंगे। अब इससे छोटा चाहिए या इसके बराबर चाहिए तो हम सेम का सेम टू मेरी टू का टेबल पढ़ लें, टू का इसमें कर लें, ठीक है, 22 में, तो ये हो जाएगा 44 और ये कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 12। इसका मतलब ये जो 144 है, ठीक है, इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 12 मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका, जैसे आप लोग सीखे हैं, अब हम ट्रिक्स बताने जा रहे हैं कैसे इसको बहुत कम टाइम में इसको हम सॉल्व करेंगे।